हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ टमाटर की एक ऐसी रेसिपी जो कि बहुत ही वायरल और ट्रेंडी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंटरेस्टिंग सी रेसिपी को। रेसिपी को बनाने के लिए मैंने लिए दो बड़े साइज के टमाटर, आधा प्याज, 3 से 4 हरी मिर्चें, थोड़ा सा धनिया और 7 से 8 कलियां लहसुन की और आधी चम्मच नमक और साथ ही एक आधा नींबू का टुकड़ा। तो इसके लिए मैंने पैन को गैस पर रख दिया है और इसमें लगभग मैं डालूंगी 2 चम्मच सरसों का तेल। तो इस ये रेसिपी सरसों के तेल में ही ज़्यादा अच्छी लगती है। तेल को मैंने पैन में अच्छे से फैला लिया है और जब तेल से थोड़ा सा धुआं निकलने लगेगा तब मैं डालूंगी इसमें टमाटर, जिसको मैंने बीच से आधा आधा काट दिया है। टमाटरों पे मैंने डाल दिया थोड़ा सा नमक और अब इसको लिड लगाकर 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बेसिकली हमें टमाटरों को रोस्ट करना है और 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसमें डालूंगी लहसुन की कलियां और फिर से इसको मैं 3 से 4 मिनट के लिए ढक करके छोड़ दूंगी, तब तक जब तक कि टमाटर के ऊपर की स्किन निकलने ना लगे। तो आप इस तरीके से चाकू से इसके ऊपर की स्किन हटा लें और इस तरह से मैंने चारों पीस का स्किन हटा दिया था। मैंने एक बोल ले लिया है, बोल में ये टमाटर जो भुन गए हमारे और लहसुन, इसको मैंने निकाल लिया है। टमाटर और लहसुन के मिक्सचर को मैंने फोर्क से अच्छी तरीके से मिक्स किया है। आप पोटैटो मैशर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद मैंने फाइनली चॉप किए हुए प्याज, थोड़ी सी हरी धनिया और साथ ही फाइनली चॉप किए मिर्च डाला। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे ये सालसा थोड़ा तीखा ही अच्छा लगता है। अब मैंने डाल दिया आधी चम्मच नमक और नींबू के कुछ बूंद, ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा नींबू के कुछ बूंद डाल देंगे। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो लीजिए, हमारा टमाटर का सालसा या चटनी, जो भी आप इसको बोलिए, बनके तैयार हो गया है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। फ्रेंड्स, इस सालसे या चटनी को बहुत तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप अपने रेगुलर मील के साथ ले सकते हैं, अदरवाइज़ नाचोज़ या पापड़ के साथ भी ले सकते हैं। पापड़ को एज ए मसाला पापड़ बना करके भी आप यूज़ कर सकते हैं, नाचोज़ के साथ एज ए डिप यूज़ कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स, आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, सो दैट मैं जो भी रेसिपीज़ अपडेट करूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।